Okay, assalamu alaikum everyone. In today's video, we are going to actually continue with the last discussion of informed search. And the first technique we are going to discuss is greedy search. So greedy search hota kya hai? Hamara greedy search ki hum baat karte hain, to hamara basic motto ye hota hai ki hamari wo wali note expand hogi jiski value sabse kam hogi. Means wo note sabse zyada worth rakhegi greedy search mein jiski h value sabse zyada kam hogi. राइट तो यहाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यूसीएस से यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो हमने लास्ट पढ़ा सो आप इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्रायोरिटी वैल्यू हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में कॉस्ट को दे रहे थे अब हम वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन को देंगे. ठीक है तो जिस कॉस्ट जिस किस जिस नोट की भी मैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात करूँ और उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी तो मैं कह दूंगी यस ये वो मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी नोट है जिसको अब मैं एक्सपेंड करूंगी. राइट सो दैट नोट विल बी एक्सपेंडेड फर्स्ट. जब हम गोल्ड नोट की बात करते हैं तो गोल्ड नोट जब भी हमारी होगी तो हमेशा उसका ह्यूरिस्टिक हमेशा जीरो होगा क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारी गोल्ड नोट है. ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. ठीक है जहाँ हम बात करेंगे कि जो हमारा जो बेस्ट सर्च फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च फंक्शन हम ले रहे हैं वो फंक्शन बेसिकली स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा फ्रॉम एंड टू गोल. जैसे कि कोई भी कंट्री है उससे मुझे किसी और कंट्री जाना है किसी सिटी से किसी कोई गोल सिटी तक पहुंचना है तो उस पर्टिकुलर सिटी से किसी दूसरी गोल तक का मेरा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है. ठीक है जी सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट एंड बिफोर स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस मोर अबाउट ह्यूरिस्टिक्स ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए. ह्यूरिस्टिक्स जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि ह्यूरिस्टिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है टू नो. ठीक है अब तो टू इवेल्युएट फंक्शन एच विच इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन ग्रीडी सर्चेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक फंक्शन और सिंपली अ ह्यूरिस्टिक जो हम अंदाजा लगा रहे हैं. ये जो ह्यूरिस्टिक का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना एक मैथमेटिशियन थे पोलिया तो उन्होंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं. जब मैं ए आई की टर्म्स में बात करती हूँ जब ए आई की जो इसकी बेसिक डेफिनेशन वो ये है कि ह्यूरिस्टिक्स जो है वो फास्ट तो होते हैं बट काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये हमारा मेथड जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. सो ग्रीडी सर्च इज एक्चुअली जनरली इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट मैं ग्रीडी सर्च को कह रही हूँ सिर्फ इसी वजह से कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मेरा ह्यूरिस्टिक सही लगे. ठीक है ना तो ह्यूरिस्टिक आर मेथड्स दैट इंप्रूव द सर्च इन द एवरेज केस. अब एवरेज केस में किसको कहती हूँ जैसे कि मैंने एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें मेरे कुछ परफॉर्मेंस केसेस आए तो वहाँ मैंने जितनी भी मेरी परफॉर्मेंसेस थी ना जितने भी तरह के मेरे आउटपुट थे मैंने सारे आउटपुट्स का एवरेज ले लिया और देख लिया कि अच्छा मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है तो दिस इज समथिंग ना विच इज नोन एज एवरेज केस सर्च इन द एवरेज केस परफॉर्मेंस. सो इन ऑल केसेस द ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक and focuses the search. हमेशा हमेशा ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा हमारा एक ही अंदाजा होगा. इसी वजह से heuristic अंदाजा इसी वजह से कह रहे हैं कि हर सिचुएशन को देख के हम उसका अंदाजा लगाते हैं. राइट तो हर प्रॉब्लम के लिए हमारा heuristic डिफरेंट होगा. कहीं ना कहीं हमारा heuristic जितना ज्यादा अच्छे से लगेगा उतना अच्छा से हमारा प्रॉब्लम का आउटपुट आएगा उतनी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. ठीक है तो सर्च की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं और जितना अच्छे से हमारा अंदाजा लगेगा उतने ही ज्यादा अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी किसी भी सर्च की. राइट सो इफ आई टॉक अबाउट द एल्गोरिदम ऑफ ग्रीडी सर्च तो यहाँ इट्स जस्ट सेम एज द यू कैन से इफ यू कंपेयर इट विद यूसीएस इट्स वेरी सिमिलर टू यूसीएस. द ओनली ओनली डिफरेंस यू फाइंड हेयर इज दैट कि जब आप यूसीएस की बात करते हैं तो वहाँ जो आपका क्राइटेरिया है लेट मी चेंज द कलर वहाँ जो आपका क्राइटेरिया है वो देखता है कि कितनी कम कॉस्ट लग रही है. ठीक है ना वहाँ वो होता है जी एन के इक्वेट. ठीक है और जी एन इज योर पाथ कॉस्ट. ठीक है मगर यहाँ ये जी एन की जगह एच एन के बराबर है विच इज इक्वल टू योर वॉट विच इज इक्वल टू योर ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ठीक है तो वहाँ पाथ कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज्यादा वहाँ यहाँ और यहाँ ह्यूरिस्टिक वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्रायोरिटी हाई होगी. Right, so this is the algorithm, which is very, very, very similar to UCS. Right, so let's finally move towards an example, which is the last example we have talked about while ending up with the last discussion of introduction to informed searches. तो वहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमारे पास एक टेबल मेंशन कर दिया गया था कि हमें अराद से जाना है
बुकारेस्ट, तो हमारे पास सारी जितनी भी सिटीज हैं उन सिटीज से लेकर बुकारेस्ट का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमारे पास मेंशन कर दिया गया था। बुकारेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्यों है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी गोल्ड नोड होगी उसका जो हेरिस्टिक वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी, इसके अलावा सबकी हेरिस्टिक्स वैल्यू यहाँ पर मैंशनड है। तो इफ यू जस्ट नोट इट डाउन एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो आप देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले आप क्या करेंगे। ओके, लेट मी शेयर इट। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास एरारे, तो ये मेरी हो गई इनिशियल नोड, ठीक है। इनिशियल नोड के बाद अब मैं इसको अगर और एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास एरार के बाद सीबीयू आता है, टिमसोरे आता है, जेरन आता है। तो आफ्टर दैट एरार से सीबीयू की कॉस्ट है 253, टिमसोरे की कॉस्ट है 329 और जेरन की कॉस्ट है 374। अच्छा, एज पर द हेरिस्टिक्स अगर मैं आपसे कहूँ कि थिंक फॉर अ सेकेंड कि अब मैं किसको एक्सपेंड करूँ तो वट विल यू से। जी, तो एज यू कैन कंपेयर के 253 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम सीबीयू को एक्सप्लोर करेंगे और सीबीयू के पास हमारे पास सीबीयू के बाद हमारे पास वापस से एराज आ सकता है, फिगारस आ सकता है, ओरिडियो आ सकता है, रिमिक्यू आ सकता है। तो हमने ये सारे ऑप्शंस ले लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अब मैं कौन सी एक्सप्लोर करूंगी, 366, 176, 380 एंड 193, राइट। और मुझे बेचारा तक पहुँचना है, तो इन चारों में से कौन सा होगा, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड एंड टेल मी। यस यस यस, आई थिंक यू हैव यू विल बी राइट कि 776 इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने फिगेरो से सीबीओ और बुचारेस्ट आके जिसकी जिसका गोल जो फाइनली मेरा गोल है और उसका मेरे पास कॉस्ट जीरो इंटरव्यू भी थी, राइट। इफ इफ आई डिस्कस मोर अबाउट इट और मैं ज़रा उस फिगर पे चली जाऊँ, जस्ट आफ्टर एल्गोरिथम हमने डिस्कस करी थी, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है और मुझे यहाँ तक आना है, ठीक है, ये मेरी गोल स्टेट है, राइट। सो इफ आई स्टार्ट विद एराद और लेट मी एनोटेट इट, ये मैंने एराद से स्टार्ट करा, ठीक है। एराद के बाद मेरे पास जो भी ऑप्शंस हैं, अगर मैं उसी को उसी पाथ को लेते हुए चलूँ जो मैंने करा, तो एराद के बाद जो एक्चुअली मैंने करा है, मैं एराद से सीबीयू गई, ठीक है। जो मेरा मैंने जो एल्गोरिथम अप्लाई किया है वो मैं गई हूँ एराद से सीबीयू, सीबीयू से फिर हमारा पाथ बन रहा था फेगारस, और फेगारस से हम फाइनली आ गए थे बुचारेस्ट पे, ठीक है। इफ आई शो यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि हमने कहा कि हम यही करा है हमने, एराद से सीबीयू, सीबीयू से फेगारस, फेगारस से बुचारेस्ट, सही है। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ इसी डिस्कशन को, तो ये यही है, अराद से सीबीयू, सीबीयू से फगैरस, फगैरस से बुचारस, जो कि मेरी फाइनल गोल नोड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा, अराद से मैं सीबीयू गई हूँ 140 में, 140 सीबीयू से फगैरस गई हूँ 99 मेरी कॉस्ट है, देन फगैरा से बुचेरा जाने में मुझे लगी 211 कॉस्ट। सो जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर यू गेटिंग, इट्स 450 किलोमीटर्स, राइट। तो ये 450 किलोमीटर्स में मैंने ये रेड जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है वो मेंशन किया। सो व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा थोड़ा आप इसको देखें और ज़रा गौर करें और मुझे बताएं कि क्या इसके अलावा कोई पाथ पॉसिबल है जो कि ऑप्टिमल हो, राइट। सो व्हाट इज दिस द शॉर्टेस्ट पाथ, इफ आई आस्क टू यू इज दिस आर यू श्योर। तो इफ आई सी फ्रॉम हेयर, अगर मैं अराद से अगर लेट मी एनोटेट इट, अगर मैं अराद से सीबीयू जाऊं, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अगर मैं अराद से सीबीयू जाऊं, ठीक है, और मैं सीबीयू से आऊं रिमिनकू, और रिमिनकू से फिर मैं चली जाऊं पितैशी, एंड देन पितैशी से बुचारेस्ट। तो इफ आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस विच इज लेट मी पिक द टेक्स्ट, ओके, विच इज 140 प्लस देन 180, नॉट नो नो 140 प्लस 80 प्लस 97 प्लस 101। सो इफ आई टोटल इट 140 प्लस 180 प्लस 97 प्लस 101, आई गेट 418। सो एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं
ये जो बात है इसकी कॉस्ट ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये पाथ हमें फास्ट तो ले जाएगा वो 4 रोज तक, बट यहाँ ये फास्ट नहीं है बट ये ऑप्टिमल है, राइट। सो फ्रॉम हेयर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेडी सर्च इज फास्ट, इसकी कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है, ये हमें हमारे गोल तक फास्ट ले जाता है। मगर अगर जैसे कि हमने यहाँ प्रूफ करा, हमने देखा, हमें कंफर्म करा इस चार्ट को देख के, इस एग्जाम्पल को देख के कि दैट ग्रेडी सर्च इज क्विक बट इट डज नॉट फाउंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट। आई होप यू पीपल एग्री ऑब्वियसली। सो यहाँ मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ इसकी बात करते हुए, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में देखा कि ग्रीडी सर्च की जब मैं बात करती हूँ तो वो टोटली मेरे ह्यूरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है, और जब मैं ह्यूरिस्टिक्स को यूज करती हूँ तो मेरा सर्च टाइम तो ड्रास्टिकली कम कर सकता है, जो कि हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। जितना अच्छा आपका ह्यूरिस्टिक है उतना ही अच्छा आपका आपके ग्रीडी सर्च होगा। सो आई वॉन्ट फाइंड द पॉसिबल सोल्यूशन बट फास्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। मैं ऑप्टिमल पॉसिबल सोल्यूशन तो पास नहीं कर सकती बट फास्ट सोल्यूशन पास कर सकती हूँ, फास्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो जब भी आप कंप्यूटर साइंस में सर्च की बात करेंगे, जब भी आप कंप्यूटर साइंस में किसी इस तरह के एल्गोरिदम की बात करेंगे, तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। नंबर वन इज एफिशियंसी एंड नंबर वन इज एफिशियंसी एंड नंबर टू इज वॉट, नंबर टू इज ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कभी आप एफिशिएंसी अचीव करें तो आप ऑप्टिमैलिटी अचीव ना कर पाएं, ठीक है, और कभी आप ऑप्टिमैलिटी अचीव कर रहे हो तो एफिशिएंसी अचीव ना कर पाएं, ठीक है। इट्स पॉसिबल एंड इट्स अ बिग ट्रेड ऑफ, ये बहुत होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एफिशिएंसी अचीव करना चाह रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं जब हम ऑप्टिमैलिटी की तरफ आ रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, हम एक लंबे पाथ को फॉलो करते हुए ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आए, राइट। तो इट्स ऑलवेज अ प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ जिसके साथ हम डील करते हैं, और इस तरह से डील करते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज्यादा सप्रेस ना हो जाए और कोई भी चीज़ बहुत ज्यादा अकोमोडेट ना हो जाए, राइट। सो द सोल्यूशन हेयर वी आर एंडिंग इज कैन वी डू बेटर, क्या हम ग्रेडी सर्च को मजीद बेटर बना सकते हैं, और अगर मजीद बेटर बना सकते हैं तो किस तरह हम इसको मजीद बेटर बनाएंगे, और हमारी अगली सर्च टेक्निक क्या होगी जो इसको इम्प्रूव करेगी। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लियर होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।